Let's improve English. Hello everybody. Welcome to Let's Improve English. मैं सुनील आपके लिए फिर से एक वीडियो लेसन लेकर आया हूँ इंग्लिश idioms के ऊपर. मैं कराऊंगा इंग्लिश के मोस्ट कॉमनली यूज्ड idioms. idioms का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी idioms पूछे जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी लोग idioms का यूज़ करते हैं. idioms होता है, अगर हम नॉर्मली एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मुहावरे होते हैं. और idioms में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग तो कुछ और ही होता है, लेकिन idiom का सेंस कुछ और ही निकलता है. तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का लेसन. idiom नंबर 1, स्पीक ऑफ द डेविल. फ्रेंड्स, स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है कि जब हम किसी एक इंसान के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी हम बात कर रहे हैं और वही इंसान आ गया. तो ऐसे में नॉर्मली हिंदी में हम तो ये कहते हैं कि वाह बड़ी लंबी उम्र है तेरी, तो तेरी ही बात कर रहे थे तू ही आ गया. स्पीक ऑफ द डेविल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि वाह तेरी ही बात कर रहे थे और तू ही आ गया. जैसे ना मैं किसी अपने फ्रेंड से कह रहा था, डिड यू सी तरुण टुडे? ओह देयर ही इज, स्पीक ऑफ द डेविल. यानी कि मैंने उससे कहा कि तरुण को देखा तूने आज? और तभी मैंने देखा कि तरुण मेरे सामने आ गया. मैं कह रहा हूँ स्पीक ऑफ द डेविल, उसका नाम लिया और वो ही हाजिर हो गया. स्पीक ऑफ द डेविल. स्टूडेंट्स डरे हुए हैं स्कूल में, कह रहे हैं, एक स्टूडेंट कह रहा है कि आई होप द प्रिंसिपल डजंट कम टुडे. ओह देयर ही इज, स्पीक ऑफ द डेविल. यानी कि उसका नाम लिया और वो हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल. आप पार्टी में हैं, पार्टी में कह रहे हैं यार राधा नहीं आई आज पार्टी में, तभी आपको पार्टी में राधा दिखाई दी, आप क्या कहेंगे? स्पीक ऑफ द डेविल. नंबर 2, सी आई टू आई विद समवन. सी आई टू आई का मतलब होता है किसी से आपकी सोच मिलना, किसी से ख्याल मिलना, किसी से पसंद मिलना, यानी कि ना सहमति होना. सी आई टू आई विद समवन. देखिए सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. माई मदर एंड आई सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स. इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ों में ना मेरी मम्मी की और मेरी सोच मिलती है. I'm looking for a new job as I don't see eye to eye with my manager. इसका मतलब है कि मैं तो यार नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मेरी मैनेजर से ना बनती नहीं है. मैनेजर कुछ और कहता है, मेरा दिमाग कुछ और कहता है. So I don't see eye to eye with my manager. आपकी फ्रेंड एक बार आपके पास आती है और कहती है we don't see eye to eye with each other anymore. Let's break up. इसका मतलब है कि अब ना तेरी और मेरी सोच मिलती नहीं है, तुझे कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, चल ब्रेकअप करते हैं. लेट्स ब्रेकअप. वी डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर एनी मोर. कि एक दूसरे से हमारी सोच अभी मिलती नहीं है. idiom नंबर 3, वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली, बहुत ही कम, बहुत ही कम. सो हम बोल सकते हैं कि कोई काम मैं बहुत ही कम करता हूँ, अरसे में एक बार करता हूँ, काफ़ी टाइम में एक ही बार करता हूँ. जैसे कि मैं अपनी नानी से ना बहुत कम मिलने जाता हूँ, बहुत कभी कभी, कभी कभी टाइम मिलता है, कभी कभी जाता हूँ. सो अगर आप किसी काम को बहुत लंबे अरसे में एक बार करते हैं, सो यू डू दैट थिंग वंस इन अ ब्लू मून. तो देखिए सेंटेंसेस देखते हैं. ऑल दो आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हर, आई विजिट हर ओनली वंस इन अ ब्लू मून. हालांकि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ना मैं उसे वंस इन अ ब्लू मून ही विजिट करता हूँ. यानी बहुत कम विजिट करता हूँ, बहुत कम उससे मिलने जाता हूँ. जैसे आप एक म्यूज़िक सिस्टम खरीद कर लाए हो और कभी बजाते तो हो नहीं. आपके पापा म्यूज़िक सिस्टम खरीद कर ले आए, कभी आप बजाते नहीं हो, म्यूज़िक नहीं सुनते हो, एंजॉय नहीं करते हो. सो आप अपने पापा से कह रहे हो कि व्हाई वी बॉट दिस म्यूज़िक सिस्टम, वी प्ले इट वंस इन अ ब्लू मून. इसका मतलब है कि पता नहीं क्यों हमने म्यूज़िक सिस्टम खरीदा था, लंबे अरसे में तो एक बार बजाते हैं, इसे फ़ायदा क्या खरीदने का, हमेशा ज़्यादा बजाना चाहिए हमें. idiom नंबर 4, व्हेन पिग्स फ्लाई. व्हेन पिग्स फ्लाई, इस idiom का मतलब है कि कोई काम होना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, या फिर उसकी संभावना है ही नहीं, बहुत कम संभावना है, ऐसा कभी नहीं होगा. जैसे कि एक लड़ाई हो रही है तो उसमें जो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है वो दूसरे को कह रहा है कि आई विल डिफीट यू वन डे. सो दूसरे वाला क्या कहेगा? व्हेन पिग्स फ्लाई. यानी कि वो कह रहा है मैं एक दिन तो तुझे हरा ही दूंगा, वो कह रहा है व्हेन पिग्स फ्लाई. देखिए फ्रेंड एक तरीके से समझने की कोशिश करिए idioms बनते कैसे हैं. इसमें कहा जा रहा है व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका लिटरल मीनिंग देखें तो जब पिग्स उड़ना शुरू करेंगे. आप खुद ही सोचो पिग्स कभी उड़ ही नहीं सकते. इस idiom का सेंस कुछ इस तरह से है कि ना कभी पिग उड़ेंगे और ना कभी तू मुझे हरा पाएगा. जैसे आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे हमेशा कहते रहते हो यार मुझसे मिलने आ जाओ ना, इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, और वो हमेशा ही कहता रहता है मैं एक दिन आऊँगा, एक दिन आऊँगा, एक दिन आऊँगा, एक दिन आऊँगा, और कभी नहीं आता. अब आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते. कभी आपसे वो कहेगा भी ना कि मैं मंडे को आ रहा हूँ, तो फिर आपको विश्वास नहीं. आपका वही फ्रेंड आपसे कह रहा है कि मैं एक दिन ना तेरे घर पर आऊँगा, पूरे 10 दिन रुकूंगा, और आप उसे क्या कहेंगे? When pigs fly. मतलब है कि तू कभी नहीं मिलने वाला मुझसे, वो भी 10 दिन रुकेगा मेरे घर पे, वो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात लग रही है मुझे. idiom नंबर 5, अ पीस ऑफ केक.
If something is a piece of cake or if doing something is a piece of cake, that means it is very easy to do or something is very easy. अगर कोई चीज़ आपको बहुत ही आसान लग रही है, बहुत ही सिंपल लग रही है, तो उसको आप कह सकते हैं a piece of cake. जैसे आप कोई एग्ज़ाम देकर आए और आपसे कोई पूछ रहा है आपका रिलेटिव कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, तो आप कह सकते हैं ओह इट वॉज़ अ पीस ऑफ केक, इट वॉज़ वेरी ईजी. इसका मतलब है एग्ज़ाम बहुत ही आसान था. सो फ्रेंड्स, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक व्हेन यू आर वॉचिंग माई लेसन्स. मतलब है कि अगर आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, मेरी वीडियोज़ को देखते रहेंगे, तो इंग्लिश को सीखना और इंग्लिश को इम्प्रूव करना दोनों ही पीस ऑफ केक है. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले idioms डेली लाइफ में लोग यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये आते हैं. सो आप इनको पढ़ना, इनसे सेंटेंसेस करना और ज़्यादा. मैंने एक वीडियो में आपको बताया था ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके बहुत सारे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करो और ऐसी सिचुएशन ढूंढो कि जहाँ जहाँ पर हम इस idiom को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप उसके मतलब को समझ सकें और वक्त आने पर उसका यूज़ कर सकें. क्योंकि हम सीख तो लेते हैं चीज़ों को, लेकिन कब उसका यूज़ करना है उस टाइम पे एन मौके पर ना हमारे दिमाग में वो बात आ ही नहीं पाती है. सो फ्रेंड्स, वो तभी आएगी जब हम चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे. सो फ्रेंड्स, सीखते रहिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. एक मिनट रुको फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो. तो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं.